नो मोर वोट टू भाजपा, उनको मोदी की शक्ल देख करके आज सिर्फ और सिर्फ भ्रम नजर आता है। और भारत की जनता जब पटकनी देने पे आती है तो अच्छे अच्छे मालिश कराते थकते नहीं है। आज पूरी भाजपा को पटकनी दी है, जनता ने पटकनी दी है। 2024 के अंदर इनका पूरा बोरिया बिस्तरा पैक होगा, पूरी भाजपा को समेट दिया जाएगा। और जो आपको मोदी जी बोलते थे कि हम तो फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे, वो फकीरी का चोला आपको कांग्रेस पार्टी के AICC कार्यालय से राहुल गांधी पहना के भेजेंगे मोदी जी। और आप बेखड़क जाना और पैरों में खड़क हम आपको देंगे, आप उसको पहन के पूरी हिमालय की यात्रा करना, यही आपका सफर था जिंदगी का। आप बाकी जो आपकी जिंदगी है वो अच्छी संसारिक जिंदगी बीते, राजनीति से आप दूर हो जाओ, क्योंकि आपने राजनीति में लोगों का भला नहीं किया, विनाश पूरे करे हैं। क्योंकि भारत के लोग आपने आने वाली पीढ़ियों को ये बात बोल करके जाएंगे, याद रखना ये बात कि भैया भाजपा को वोट मत देना। हमारे दादा ने हमारे बाप को बोला, हमारे बाप ने हमें बोला, फिर कुछ युवा उसके अंदर भटक गए और आज हम लोग अपनी पीढ़ियों को बोल करके जाएंगे कि भाजपा को किसी भी तरीके से वोट नहीं देना, क्योंकि ये देश को बांटने की बात करती है, देश को तोड़ने का काम करती है। मोहब्बत की बात करने वाली जो पार्टियां होंगी उनको आगे बढ़ाने का काम हमारे समाज में किया जाएगा और हम उसके अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे। जीत जाए तो मोदी मोदी, और ये सोचने की बात है हमारे देश में कुछ भी अच्छा होता है। वर्ल्ड कप जीता तो उसमें विराट कोहली की भूमिका नहीं, वो भी मोदी। तेंदुलकर का रोल नहीं, उसमें भी मोदी। यदि मोदी जी बैट लेकर कीपर बनकर बॉलिंग कराते थे, क्या क्या करते थे, हर जगह मोदी। पहलवान अगर ओलंपिक जीत गएंगे तो मोदी। आप समझो सेना अगर पाकिस्तान के बेल बूटे पाड़ गएगी तो मोदी। अब मोदी है या नंबर वन ऑल इन वन है, हर काम यही करेगा। आज देश की नेशनल मीडिया वो मीडिया है जो कलम में शाही नहीं, कलम में खून भर करके हिंदुस्तान का एक लहू लुहान इतिहास लिख रही है और हम उसके खिलाफ है। किसी भी प्रकार से हम हिंदुस्तान को टूटने नहीं देंगे और हम ये जानते हैं कि जो पेन होते हैं उनके अंदर शाही होनी चाहिए, लहू नहीं होना चाहिए। देखिए ये हिंदुस्तान की जीत हुई है, पार्टी की जीत नहीं है, आज कर्नाटक के लोगों की जीत है। ये महंगाई के मुद्दे जो देश के अंदर बहुत बड़े बने हुए थे, ये उन मुद्दों की जीत है, जो मुद्दों की राजनीति करी है राहुल गांधी ने, वहाँ पे जो वादे करे हैं ये उन वादों की जीत है। आप इसको यहाँ से मत देखो कि ये हमारी जीत है, ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल उन हजारों उन लाखों लोगों की जीत है जो पैदल कर्नाटक की गलियाँ नाप रहे थे। आप समझो इस बात को, लोगों के दिलों तक उतरे थे, क्योंकि राहुल गांधी एक वो नेता हैं जो आँखों में आँखें डाल के लोगों के दर्द को देखते हैं, लोगों के कंधे पर हाथ रख के भाईचारे की बात करते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, नफरत को कुचलने का काम करते हैं। और जो धर्मों की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको भाजपा को बहुत करारा जवाब मिला है, क्योंकि इस बार बजरंगबली ने भी उनका साथ छोड़ दिया और केरला स्टोरी जैसी जो फिल्में बना करके मुसलमानों के लिए प्रोपोगेंडा तैयार किया गया, वो प्रोपोगेंडा भी कहीं ना कहीं इतना हकीकत में नहीं था, एक फिक्शन था। वो सारे मुद्दे फेल हो गए और सिर्फ मुद्दे जीते तो वो देश हित के मुद्दे जीते, ना फिल्मों के मुद्दे काम आए, ना धर्मों की बात काम आई। क्योंकि आज भगवान हमेशा उन इंसानों के साथ खड़े हुए हैं जो एक मोहब्बत की बात करते हैं, ये हिंसात्मक आदमी है और हम लोग अहिंसा पर चलने वाले। तो आप याद रखिए कि हिंसा का मार्ग कभी भी राजनीति में सफल नहीं होता है, वो आपको पटकनी देगा देगा और वो इनको मिल गई है। क्या राहुल गांधी की जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ वो कामयाब होगा? वो हर राज्य में उनकी फ्रेंचाइजी बांटी जा रही है और 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा शोरूम खुलेगा जहाँ से सारी फ्रेंचाइजियों को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, पहचान मिलेगी। और एक ता उम्र तक, जब तक आपको मैं बता दूं कि वो राज्य रहेंगे, अब भाजपा का अस्तित्व उन राज्यों में दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा, कर्नाटक हो या हिमाचल हो, क्योंकि जनता जाग गई है और युवा पीढ़ी ने बढ़ करके वोट दिया इस बार। आप समझो जो 18 साल के लोगों ने पहली बार मोहर लगाई है वो अपना आजीवन प्रण ले चुके हैं कि नो मोर वोट टू भाजपा। आप समझो उनको मोदी की शक्ल देख करके आज सिर्फ और सिर्फ भ्रम नजर आता है। जब मोदी की शक्ल में लोगों को भ्रम नजर आएगा तो देश कैसे मजबूत होगा? जिस 56 इंच की ये बात करते हैं, आज कर्नाटक की पूरी सरकार ने, कर्नाटक के लोगों ने फीते हाथ में रख करके एहसास करा दिया कि भैया आप 24 इंच से ज्यादा कुछ नहीं हो, आपका आज तक पेट नापा जा रहा था जिसे आप 56 इंच छाती मानते थे। तो ये कर्नाटक के लोगों ने इनका मापदंड कर दिया है और सही मारे में इनका बेड़े बिस्तर पैक कर दिया। तो कहते हैं 2047 तक रहेंगे, अभी तक देखिए भाजपा कहाँ रहेगी? भाजपा रहेगी, हम ये कह रहे देश में नहीं रहेगी। भाजपा तो भैया एक संगठन है, संगठन तो रहेगा। आज देश के अंदर संगठन तो खत्म नहीं हो रहे ना, तो आप समझो इस बात को। पर भाजपा राजनीति में कहीं नहीं रहेगी, विपक्ष में रहेगी। जो ये बात करे कि 2047 तक हम रहेंगे, ये इनका कहने का मतलब था कि हमारी उम्र जब तक तो रहेगी और हम लोग विपक्ष में बैठेंगे और कांग्रेस राज करेगी और जनता की सेवा करेगी। क्या कर्नाटक को भाजपा का द्वार कहा जाता था कि भाई भाजपा की मतलब दक्षिण में कहीं नहीं, अब जो एक राज था वो भी चला गया। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, आज मुद्दों की बात लोग करने लगे हैं, लोग जनता जो है एक सामाजिक मुद्दों को बहुत बड़े लेवल से देखने लग गई है, अंधभक्त तक जागने लग गए हैं। आप समझो कोरोना हुआ तो लोग क्या जागे नहीं? आप समझो ED की छापेमारी गलत तरीके से हो रही है, राहुल गांधी की सदस्यता छीनी जा रही है, उनको जेलों में डालने की बात की जा रही है, क्या जनता अंधी है? क्या जनता को नज़र नहीं आता कि प्रोपेगेंडा से देश नहीं चलता? जनता बहुत समझदार है और भारत की जनता जब पटकनी देने पे आती है तो अच्छे अच्छे मालिश कराते थकते नहीं है। आज पूरी भाजपा को पटकनी दी है, जनता ने पटकनी दी है, राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर जनता ने इनके रास्ते बंद कर दिए हैं और किसी भी तरीके से आपको दूर दूर तक ये कहीं आपको ज़मीन पर नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही नारा होगा कि आज राहुल गांधी जिंदाबाद, और भारत को अगर मजबूत कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अभी तक यूपी में जलवा कायम है भाजपा का, अभी भी यूपी में जलवा कायम है, नगर निकाय चुनाव देखिए आप। देखिए हम यहाँ पे जलवों की बात ही नहीं कर रहे, ये जलवे तो लोगों को टीवी
टीवी पे और रीलों पे देखने को मिलते हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि भैया देश के अंदर जलवा जो है वो मोहब्बत का होना चाहिए। ये यूपी के अंदर क्या है क्या नहीं है, मोहब्बत का पैगाम हर जगह जाएगा और जगह जगह। ये निगम चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला। अभी आपको लोकसभा चुनावों के अंदर भी पटकनी नजर आएगी। 2024 के अंदर इनका पूरा बोरिया बिस्तरा पैक होगा, पूरी भाजपा को समेट दिया जाएगा। और जो आपको मोदी जी बोलते थे कि हम तो फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे, वो फकीरी का चोला आपको कांग्रेस पार्टी के AICT कार्यालय से राहुल गांधी पहना के भेजेंगे मोदी जी। और आप बेखड़क जाना और पैरों में खड़क हम आपको देंगे, आप उसको पहन के पूरी हिमालय की यात्रा करना, यही आपका सफर था जिंदगी का। आप बाकी जो आपकी ज़िंदगी है वो अच्छी संसारिक ज़िंदगी बीते, राजनीति से आप दूर हो जाओ, क्योंकि आपने राजनीति में लोगों का भला नहीं किया, विनाश पूरे करे हैं। अच्छा गिन्नी जी, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश है कि नफरत की हार हुई, मोहब्बत की जीत हुई, धर्म की राजनीति की हार हुई, मोहब्बत की जीत हुई, मुद्दे की जीत हुई। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था कि बजरंग दल को बैन करेंगे, बजरंग दल बैन होगा, आप जीत गए? देखिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, वो तो उसी समय उन्होंने बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक चुनावी बात है। अच्छा। आप समझो इस बात को, आज उनका कहने का मतलब था कि नफरत करने वालों को हम बैन करेंगे। आज बजरंग दल के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं, आपने रामनवमी पे देखा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या रामनवमी में आपने नहीं देखा कि मस्जिदों पे पत्थर मारे गए, कि आपने नहीं देखा भाईचारे को जो है खत्म करने का काम किया गया। देखिए क्यों नहीं है, बिल्कुल है। हिंदू महासभा, बजरंग दल, RSS, इसके अंदर बहुत से ऐसे संगठन के लोग हैं जो लोग गलत हैं। हमारी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी, हमारा ये मतलब है। राजस्थान में भी आपकी सरकार है, बजरंग दल वहाँ पे भी बैन होना चाहिए। कांग्रेस कहती है, मैंने आपसे क्या बोला है, जो नफरत करने वाले हैं उन सबको बैन करेंगे। हम किसी संगठन के खिलाफ नहीं है, हम नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ है। हम उन लोगों को खत्म करना चाहते हैं कि जो नफरत फैला रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि मोदी युग चल रहा है, मोदी युग अब धीरे धीरे खत्म? देखिए बड़े बड़े देश के अंदर आपको पता है कि आज से पहले मुगल भी आए, सबका एक टाइम पीरियड था, हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है और हर चीज़ समय के हिसाब से अच्छी लगती है। तो मोदी जी का युग अब खत्म होने की कगार पे है और इसके बाद सही मायने में भाजपा का जो अंत है वो अगले 100 साल तक आपको कहीं उभरता हुआ नजर नहीं आएगा। ये आपको कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी जीत की मोहर लगी है जो आने वाले युगों युगों तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व आपको हिंदुस्तान में दिखेगा, क्योंकि भारत के लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बात बोल करके जाएंगे। याद रखना ये बात कि भैया भाजपा को वोट मत देना, हमारे दादा ने हमारे बाप को बोला, हमारे बाप ने हमें बोला, पर कुछ युवा उसके अंदर भटक गए और आज हम लोग अपनी पीढ़ियों को बोल करके जाएंगे कि भाजपा को किसी भी तरीके से वोट नहीं देना, क्योंकि ये देश को बांटने की बात करती है, देश को तोड़ने का काम करती है। मोहब्बत की बात करने वाली जो पार्टियां होंगी उनको आगे बढ़ाने का काम हमारे समाज में किया जाएगा और हम उसके अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी युग खत्म हो रहा है, मोदी जी का मोदी जी चला, मोदी युग तो मीडिया में खत्म हो गया। अभी हार हुई तो नड्डा के सर सहरा फोड़ दिया, उसको दूल्हा बना दिया, ले भैया तू जवाब दे, तेरी वजह से हार हुई है, और अगर जीत जाए तो मोदी। और ये सोचने की बात है, हमारे देश में कुछ भी अच्छा होता है, वर्ल्ड कप जीता तो उसमें विराट कोहली की भूमिका नहीं, वो भी मोदी, तेंदुलकर का रोल नहीं उसमें भी मोदी, यदि मोदी जी बैट लेकर कीपर बन के बॉलिंग कराते थे क्या क्या करते थे, हर जगह मोदी, पहलवान अगर ओलंपिक जीत के आएंगे तो मोदी, आप समझो सेना अगर पाकिस्तान के बेल बूटे पाड़ गएगी तो मोदी। अब मोदी है या नंबर वन ऑल इन वन है, हर काम यही करेगा या बाकी भी कुछ करेंगे? देखिए वो तो देखेगी पगार कटेगी इन लोगों की, क्योंकि ये भी प्रोपोगंडा का हिस्सा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं करा, शायद इस बार उनको ये लगेगा कि कुछ चढ़ावा तो ऊपर से नीचे तक जाते ही है मीडिया को। तो आज कहीं ना कहीं आप समझ जाओ कि मीडिया भी इनका साथ छोड़ने लगी है, क्योंकि आपको सुधीर चौधरी के बयानों में राहुल गांधी जी के लिए मोहब्बत नजर आई होगी। कल सुधीर चौधरी ने जो अल्फाज अपने निकाले हैं राहुल गांधी के लिए, वो ये दिखाते हैं कि आज हमारी नेशनल मीडिया के स्वर बदलने लगे हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया जानती है कि 2024 में अगर कांग्रेस आएगी और बहुत वर्चस्व से आएगी तो हम सबके डब्बे गोल होंगे, क्योंकि RTI लगा करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल मीडिया ने कितना खाया, कितना गबन किया, किस प्रकार से देश को विभाजित करने का काम किया। क्योंकि आज देश की नेशनल मीडिया वो मीडिया है जो कलम में शाही नहीं, कलम में खून भर करके हिंदुस्तान का एक लहू लुहान इतिहास लिख रही है और हम उसके खिलाफ है। किसी भी प्रकार से हम हिंदुस्तान को टूटने नहीं देंगे और हम ये जानते हैं कि जो पेन होते हैं उनके अंदर शाही होनी चाहिए, लहू नहीं होना चाहिए, और लहू को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और सारे मीडिया वाले ईमानदारी से काम करेंगे। 2024 के अंदर यह बदलाव दिखेगा। 2024 में तो कह रहे हैं कि 400 सीटें आ रही है भाजपा वाले के। अरे वो तो अभी भी कहते थे हम कर्नाटक जीत रहे हैं, वो तो छत्तीसगढ़ में भी कहते थे, वो तो हिमाचल में भी कहते थे, वो तो हर जगह कहते हैं। आप याद रखो, मरने वाला तो चाहता ही है कि भैया कुछ सांसें हमें मिल जाएं। राहुल, आप अगर एक मरने वाले आदमी को सुन लो, पहले पूरी बात ढूंढो, अगर आप एक मरने वाले आदमी से पूछोगे तो वो भी कहता है भैया मैं तो जिंदगी जीना चाहता हूँ अभी। तो आज भाजपा से जब भी पूछोगे वो तो कहेंगे हम तो राज करना चाहते हैं, आज बस समझ नहीं पाती। तो ये सब चीज़ें हमारे देश के अंदर भाजपा का अंत है और विनाश है, और इनके विनाश की जो सूत्र बांधेगा वो राहुल गांधी बांधेगा।